हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बस आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जो है वो लेके जाने वाले हैं मोर देन फिफ्टीन टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम जो आपके परसेंटेजेस में आते हैं आपके एग्जामिनेशन में वो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उन इंडिविजुअल टाइप्स में भी किस डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है उन सभी टाइप को जो है हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को इससे रिलेटेड कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल परसेंट एज द नेम सजेस्ट इसमें पर का मींस होता है ईच और एवरी एंड सेंट का मीनिंग होता है हंड्रेड मतलब हम लोग किसी भी चीज को अगर आउट ऑफ हंड्रेड कितनी है इस चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो बहुत ही ज़्यादा इजी हम लोगों के लिए पड़ जाता है चीज़ों को कंपेयर करना या फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आने के लिए तो इसी को बेसिकली हम लोग परसेंट बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेट्स से ट्वेंटी मार्क्स आते हैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में आउट ऑफ फिफ्टी तो हम लोगों को अगर परसेंटेज के टर्म्स में इसको फाइंड आउट करना होगा तो वी कैन से दैट इसको सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे एंड आपको ये चीज पता चल जाएगी दैट 50 परसेंट आपके मार्क्स हैं मतलब आउट ऑफ 100 आपके जो है वो 50 मार्क्स आए हुए हैं तो ये बेसिक सा मीनिंग होता है परसेंटेज का आई होप आपको ये तो बेसिक्स तो बिल्कुल पता ही होगा इसके बाद हम लोगों को कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना पड़ता है मतलब ये दैट वन जो है जनरली हम लोगों का होता है हंड्रेड परसेंट वन मीन्स हंड्रेड परसेंट, ओके, जब भी कोई क्वांटिटी फुल में लिखी, लिखी होती है तो दैट इज हंड्रेड परसेंट वन बाय टू का मीनिंग हो जाता है फिफ्टी परसेंट ओके एंड वन बाय थ्री जो है वो होता है आपका थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट वन बाय फोर इज ट्वेंटी फाइव परसेंट वन बाय फाइव इज ट्वेंटी परसेंट वन बाय सिक्स इज सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट और सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखते हो तो वन बाय सेवन जो है यह, यहाँ तक चीजें जो है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी एटलीस्ट वन बाय ट्वेल्व वन बाय फिफ्टीन तक आप याद रखोगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा सेवन जो है वो बहुत ही ज्यादा ईजी है सेवन का डबल होता है फोर्टीन एंड फोर्टीन का डबल होता है टू एट यानी कि फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट वन बाय एट जो है वो आपका होता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट जो हो जाता है नाइन एंड इलेवन जो है वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मैचिंग होते हैं तो वन बाय नाइन होता है तो वन बायन जो होता है वो होता है नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट ठीक है सिमिलरली आप इसको वन बाय ट्वेल्व बाई थर्टीन भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो जैसे वन बाय ट्वेल्व होता है आपका एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट इसके बाद वन बाय थर्टीन होता है आपका सेवन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट ठीक है वन बाय फोर्टीन होता है आपका सेवन पॉइंट वन फोर टू परसेंट एंड सो ऑन इस तरीके से आप जो है वो मतलब बेसिकली आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए वन बाय फिफ्टीन तक आप रखते हो या तो आपके लिए देन इनफ होने वाला है अब यहां पर आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए ये दैट आपको एक्जैक्टली exactly ये फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है इसको आपको समझना है सो so दैट आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सको अपने क्वेश्चन में मतलब ये कहने का दैट अगर मैं ये सेकंड वाले फ्रैक्शन को देखता हूं वन बाई टू इज फिफ्टी परसेंट तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो दैट टू का फिफ्टी परसेंट जो है ना वो वन होता है करेक्ट थ्री का थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट वन होता है फोर का ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो वन होता है एंड सिमिलरली फाइव का ट्वेंटी परसेंट जो है वो वन होता है एंड सो ऑन मतलब ये दैट अगर आपको आपके क्वेश्चन में बोला गया है दैट ए की सैलरी जो है बी की सैलरी जो है फॉर एग्जाम्पल बीज सैलरी इज टेन परसेंट मोर Then A. इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में फॉर्मुले तो की, की तरफ बढ़ने वाले हम लोगों को कोई भी फॉर्मुला यूज नहीं करना है आपको सिंपली अज्यूम करनी है चीजें दैट ए की जो सैलरी है ना वो हंड्रेड है तो अगर ए की सैलरी हंड्रेड होगी तो बी की उससे टेन परसेंट ज्यादा है यानी बी की सैलरी कितनी हो जाएगी बी की सैलरी हंड्रेड एंड हो जाएगी ठीक है ये एक मेथड है चीजों को रिप्रेजेंट करने का दूसरा मेथड है फ्रैक्शन में फ्रैक्शन बेसिकली कुछ भी नहीं है जो हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड टेन है इसी को आप सिंप्लीफाइड वे में लिखोगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो दैट ए की जो सैलरी है वो अगर टेन है तो बी की सैलरी जो है वो 11 है करेक्ट इस तरीके से आप चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हो बट अगर देखो यहां पर फ्रैक्शन वाले ऑप्शन को आप पिक करते हो ना तो आप यहां से समझ सकते हो दैट टेन परसेंट वन होता है मतलब अगर किसी की सैलरी टेन है और हम लोगों को इसको टेन परसेंट इनक्रीज करना है तो हम लोगों को वन इंक्रीज करना है एंड टेन में अगर आप वन ऐड कर देते हो तो आपका जो नंबर है वो लेवन आ जाता है तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपको या तो कभी हंड्रेड लेकर के चीजों को सॉल्व करना होगा या तो फिर आपको कभी फ्रैक्शन लेकर के सॉल्व करना होगा जब हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको बेसिकली एक आइडिया लगने लग जाएगा पर हम लोगों को फ्रैक्शन लेना रहता है एंड कहां पर हम लोगों को हंड्रेड लेकर ले के चीजें जो है वो ईजी हो जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं दैट बी की जो सैलरी है ना वो लेट्स से 16.66 देन इज सैलरी तो अगर मैं ए की सैलरी 100 अज्यूम करता हूं तो मुझे बी की सैलरी जो है वो 116.66 अज्यूम करनी पड़ेगी बट यहां पर आप देख रहे हो दैट डेसिमल वगैरह चीजें जो है वो आ रही हैं तो कहीं ना कहीं मुझे आगे जब बढ़ूंगा तो कैलकुलेशन करने में ये वाला अप्रोच जो है मुझे ज्यादा डिफिकल्टी प्रोवाइड करेगा ठीक है तो इसकी जगह पर मैं फ्रैक्शन अप्रोच लूंगा को देख करके अगर आपको चीजें याद है तो आप तुरंत समझ जाओगे दैट इज नथिंग बट वन बाई इसका यह मतलब है दैट मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं 16.66 परसेंट का मतलब होता है वन बाय सिक्स ठीक है इसका ये मतलब है दैट अगर ए की सैलरी हम लोग सिक्स अज्यूम करते हैं ए की सैलरी अगर सिक्स है तो बी की सैलरी उससे 16.66 परसेंट ज्यादा है मतलब वन यूनिट ज्यादा है तो अगर ए की सैलरी सिक्स है तो बी की यूनिट वन एक्स्ट्रा यानी कि सेवन होने वाली है अब आप देखो A की सैलरी सिक्स है एंड बी की सैलरी सेवन है अब यहां से जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वो डिफरेंट रहेगा बहुत ही इजी हो जाएगा रेदर देन को ले को लेकर के चीजों सॉल्व करूं तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको ये चीज पता चल जाएगी कहां पर आपको फ्रैक्शन लेना है एंड कहां पर आप हंड्रेड लोगे ऐसे बहुत से क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे जहां पर आपका फ्रैक्शन मेथड जो है वो डिफिकल्टी क्रिएट करेगा बट हंड्रेड जो अगर हम लोग लेके करते हैं ना उससे ज्यादा चीजें जो है वो ईजी पड़ जाएंगी तो चलो हम लोग डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं ये बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स को फिफ्टी सेवन मार्क्स आउट ऑफ सेवेंटी सिक्स एंड इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको सिंपली आप परसेंटेज के बहुत सारे मैथड्स होते हैं आप किसी भी मेथड को यूज करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो द आंसर विल भी सेवेंटी फाइव परसेंट ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं ओके okay, यहां पर हम लोगों को बोला हुआ है अशोक सैलरी इज इंक्रीज बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट बाई वॉट परसेंट हिज सैलरी टू रिटर्न टू हिज ओरिजिनल सैलरी अब बहुत से स्टूडेंट जो है वो बहुत ही जल्दबाजी में ए ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज हुआ है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट डिक्रीज करना होगा ओरिजिनल पे रिटर्न करने के लिए दैट इज रॉन्ग क्यों क्योंकि आपका बेस डिफरेंट हो रहा है चलो मान लिया कि आलोक की जो सैलरी है ना वो इनिशियली हंड्रेड थी एंड 25 परसेंट इंक्रीज होने के बाद अगर मैं 25 परसेंट का इंक्रीज लगाता हूं सैलरी में तो उसकी न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी भाई न्यू सैलरी आपकी हो जाएगी 125 तो अब उसको वापस रिटर्न 100 पे जाना है तो अगर 100 पे रिटर्न जाना है तो आप मुझे बताओ 125 से 100 पे जाने के लिए कितने का रिडक्शन चाहिए हम लोगों को ट्वेंटी फाइव का या फिर यूनिट्स कह लो ट्वेंटी यूनिट्स कम उसको बेसिकली करने पड़ेंगे आउट ऑफ आउट ऑफ वन करेक्ट मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड अब आप इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली ट्वेंटी परसेंट मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर आलोक की सैलरी इंक्रीज हुई है तो वापस जाने के लिए उसको ट्वेंटी परसेंट का ही जो है वो गैप कवर करना पड़ेगा ट्वेंटी परसेंट ही कम करना पड़ेगा ऐसा एग्जैक्टली exactly हो क्यों रहा है आप ये समझो जब मुझे चीजों को इंक्रीज करना था ना जब मुझे हंड्रेड को ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो इंक्रीज करना था ना तब मेरा जो बेस था वो हंड्रेड था करेक्ट बट जब मुझे वापस जाना पड़ा तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो हंड्रेड ना रह करके हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव हो गया क्योंकि अब जब मेरी सैलरी कम होगी तो वो हंड्रेड में से कम नहीं होगी वो वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव में से कम होगी तो यहां पर बेस चेंज होने की वजह से इंक्रीज होते टाइम ट्वेंटी फाइव हुआ बट डिक्रीज होते टाइम ट्वेंटी परसेंट हुआ ठीक है चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इफ सेवेंटी सिक्स इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट वॉट इज द न्यू नंबर ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए आगे हम लोग और भी डिफिकल्ट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे ये बस आपके बेसिक्स को स्ट्रॉंग करने के लिए है ठीक है तो ऐसे केसेस में जनरली जो स्टूडेंट्स अपने लाइक like, स्कूल के मेथड्स को यूज करते हैं तो जो वो जनरली क्या करते हैं एक्स ले लेते हैं इसका 25 परसेंट कैलकुलेट करते हैं एंड चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बट आपको एक्स लेकर के नहीं करना है बिकॉज एक्स जो है वो बहुत ही लेंदी मेथड आपके आपके लिए पढ़ने लगेगा हम लोग बेसिकली परसेंटेज या फिर एरिथमेटिक के कोई भी टॉपिक को लाइक परसेंटेजेस रेशियो प्रपोर्शन प्रॉफिट लॉस बहुत सारे मतलब जितने भी टॉपिक्स आपके एरिथमेटिक में आते हैं आपको केवल और केवल यूनिटरी मेथड का यूज करना है ठीक है यूनिटरी मेथड में लाइक आपने आपको पता ही होगा बट मैं एक बार जस्ट सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यूनिटरी मेथड का बेसिकली मीनिंग ये होता है दैट आप पहले वन यूनिट का जो है वो क्वांटिटी फाइंड आउट करते हो वन यूनिट का कॉस्ट या फिर जो भी चीज़ दी हुई है वो फाइंड आउट करते हो एंड उसके बाद जो चीज़ पूछी हुई है वो कैलकुलेट करते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला गया दैट फिफ्टी एप्पल्स का जो कॉस्ट है वो हंड्रेड रुपीज़ है तो हंड्रेड एप्पल्स का कॉस्ट कितना होगा ये मैं बेसिक से एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को आप यूनिटरी मैथड से सॉल्व करते हो कैसे आप पहले वन एप्पल का कॉस्ट निकालते हो वन एप्पल का कॉस्ट कितना हो जाएगा हंड्रेड डिवाइडेड बाई फिफ्टी करेक्ट एंड आप फाइनली हंड्रेड एप्पल का कॉस्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हो

फ 76 सिक्स इज इंक्रीज 25 ट्वेंटी जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं 25 परसेंट का सेवेंटी uh, सिक्स का 25 परसेंट कैलकुलेट करने लग जाते हैं जो कि चीजों को डिफिकल्ट कर देता है मैं अज्यूम कर लेता हूं दैट मेरा जो नंबर था ना वो हंड्रेड था मैंने अज्यूम कर लिया अब उस नंबर को 25 परसेंट से मैंने इंक्रीज कर लिया मतलब 100 जो है ना वो 25 से इंक्रीज होने के बाद 125 बन गया है अब मुझे बोला गया है ना दैट न्यू नंबर कितना है तो पहले का नंबर देखो 76 है

ये कुछ ऐसा नंबर आएगा आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको सिंपली यहां पर देखने को मिलेगा द आंसर वुड बी नाइनटी फाइव ओके नाइन फाइव मतलब ओरिजिनल नंबर जो था वो नाइनटी फाइव था एंड नाइनटी फाइव को मैंने ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज किया तो Uh, जो 76 को 76 को अगर मैंने ट्वेंटी इंक्रीज किया तो 95 जो है वो मेरा न्यू नंबर होगा अब जब हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोगों को ये सेकंड स्टेप जो है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप डायरेक्टली इनफैक्ट आपको फर्स्ट स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप डायरेक्टली थर्ड स्टेप लिखना स्टार्ट कर दोगे जरा सी प्रैक्टिस के बाद एंड इस पर्टिकुलर मेथड का यूनिटरी मेथड का बेस्ट uh, अपलीकेशन uh, ये हो जाता है दैट तो आपको कोई फॉर्मुला वगैरह जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है बस ये बेसिक सा अप्रोच है कुछ क्वेश्चंस में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एंड आपको अगर इस ये तरीका जो है समझ में आ जाता है तो बहुत ही इजीली इजीली आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने लगोगे जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय ट्वेंटी एंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर डिक्रीज बाय थर्टी इज ट्वेंटी देखो मान लिया मेरा ओरिजिनल नंबर हंड्रेड था ठीक है पहले क्या हो रहा है पहले मेरा जो नंबर है ना वो इंक्रीज हो रहा है ट्वेंटी तो मेरा नया नंबर कितना हो गया भाई नया नंबर हो गया वन ठीक है अब दूसरी बार मैंने अपने ओरिजिनल नंबर को ही डिक्रीज किया है थर्टी परसेंट से तो मेरा जो अगर हंड्रेड है तो थर्टी परसेंट से डिक्रीज करने के बाद नया नंबर हो जाएगा सेवेंटी ठीक है तो अब मुझे बोला गया है ना कि इस नंबर एंड इस नंबर का जो डिफरेंस है वो ट्वेंटी टू आ रहा है बट मेरे अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आ रहा है वन ट्वेंटी फाइव माइनस सेवेंटी करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा है फिफ्टी फाइव ठीक है तो वन ट्वेंटी इज इक्वल्स टू फिफ्टी फाइव मेरे अकॉर्डिंग टू फिफ्टी फाइव आ रहा है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी टू आ रहा है मिसमैच हो रहा है तो मैं क्या करूंगा मैं इसको यूनिटरी यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर दूंगा मतलब 55 जो है वो 22 की वैल्यू है तो मतलब ट्वेंटी टू क्वेश्चन की वैल्यू है तो वन यूनिट जो है वो ट्वेंटी टू बाई फिफ्टी फाइव होगा एंड ओरिजिनल नंबर क्या था भाई मेरा ओरिजिनल नंबर था मेरा हंड्रेड जो मैंने मान करके रखा था एंड ट्वेंटी टू बाई फिफ्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड आपको ये मेथड जो है वो अप्रोच करना है इलेवन टू इलेवन फाइव ट्वेंटी यानी कि फोर्टी जो है वो मेरा ओरिजिनल नंबर होगा अब जैसा मैंने बताया जरा सी प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्टली इस स्टेप को जो है वो लिखोगे एंड बहुत ही एक लाइन में आपका जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करने लग जाओगे ठीक है तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं ओरिजिनल नंबर आपका हो गया फोर्टी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ए इज फोर्टी परसेंट मोर देन बी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये बी को मैं ले लेता हूं हंड्रेड ए को ले लिया मैंने वन फोर्टी बाई वॉट पर्सन बी इज लेस देन ए तो बी इज फोर्टी लेस देन ए ठीक है तो बी इज फोर्टी लेस है uh, किससे कम है वन फोर्टी से मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करोगे दिस इज नथिंग बट टू बाय सेवन अब देखो बाय सेवन की आपको परसेंटेज वैल्यू पता थी फोर्टीन पॉइंट टू एट परसेंट तो ऑब्वियवन के लिए आपको दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई करना होगा तो मेरा आंसर कितना आ गया तो इस तरीके से अगर आपको फ्रैक्शन पे कमांड है ना तो आपको 2 by 7 को बार बार मल्टीप्लाई करके नहीं देखना पड़ेगा ज्यादातर केसेस में जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं एग्जामिनेशन में वो इसी तरीके की वैल्यूज पूछी होती है जहां पर आपसे फॉर एग्जाम्पल सिक्स बाय सेवन परसेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ा अगर आप वन बाय सेवन पता जानते हो तो ऑब्वियसली आपको बस सिक्स से मल्टीप्लाई करना रहता है इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे

To 8, तो आग, आप जब टोटल करोगे तो दिस इज नोर हंड्रेड अगर हम लोग की बात करें तो तो आपको जो विनिंग कैंडिडेट है ना उसको फिफ्टी सेवन परसेंट ऑफ द टोटल वोट मिला है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब ये भी जो क्वेश्चन है वो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाता है जहां पर आपको इंक्रीज पूछा जाता है मतलब चेंज करके चीजों को पूछा जाता है ठीक है ंगल इसेंट इीज सोट इज नो चेंज इन दी एरिया अब देखो यहां पर मैं आपको मैथड से जाने के लिए आप यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हंड्रेड लेकर के चीजों को कर रहे थे वो ज्यादा सिंपल पड़ रहा था ऑल दो आप इसको जो है वो फ्रेक्शन मैथड से भी कर सकते थे बट बट जनरली हंड्रेड लेकर की चीजें जो है वो सिंपल पड़ती हैं बट यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको हंड्रेड वाला मैथड जो है उसमें काफी सारा जो जीरो है मैं आपको exam, करके दिखा भी देता हूं इनफैक्ट दोनों वैल्यूज से दोनों मेथड मतलब दोनों मेथड सेम है बस उसको लिखने का तरीका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है तो मुझे यह पता है दैट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया होता है अब मुझे बोला गया है ना दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय फिफ्टी परसेंट मतलब अगर पहले लेंथ हंड्रेड था तो फिफ्टी परसेंट इंक्रीज करने के बाद मेरा न्यू लेंथ जो है वो वन फिफ्टी हो गया एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय वॉट परसेंट द ब्रेथ ब्रेथ इज डिक्रीज सो दैट देर इज नो चेंज इन द एरिया दरिया टाइप वन लिख सकते हो यहाँ पर आपको नो no चेंज का जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है आगे हम लोग चेंज वाले भी जो है वो करेंगे यहां पर जो जो एरिया 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 है 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 ना वो है। है। मतलब जो है ना वो वो चेंज चेंज नहीं नहीं हो हो रहा रहा मतलब सेम तो ऑब्वियस चीज है अगर मैं यहां पर ब्रेथ को कितना रखू सो दैट जो मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है ना वो सेम आ रहा है अब देखो यहां पर हंड्रेड के साथ मुझे चीजों को डील करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी मैं डायरेक्टली यहां पर इसको फ्रैक्शन से लेकर के अप्रोच करूंगा ठीक है तो 50% का मतलब क्या होता है वन बाई टू मतलब अगर लेंथ पहले टू था तो उसमें वन का इंक्रीज हुआ है मतलब अब लेंथ जो है वो थ्री बन चुका है सिमिलरली ब्रेड पहले कितना रहा होगा एंड अब कितना है सो दैट एरिया मेरा सेम है तो ऐसे केसेस में आप मुझे ये बताओ ब्रेड अगर मैं थ्री रख लू मतलब इसको क्रॉस कर दू ब्रेड थ्री हो गया एंड uh, नया ब्रेड जो है वो टू हो गया तो ऐसे केस में थ्री इंटू टू इज सिक्स एंड अगेन टू इंटू थ्री इज ऑल्सो ऑल्सो सिक्स तो मेरा एरिया तो अभी भी सेम है

काफी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिंग मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बट फ्रैक्शन uh, वाला मेथड इसके compar ज़्यादा इज़ी पड़ेगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ठीक है चलो अब यहां पर भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है प्राइस ऑफ अर राइस इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी का मतलब होता है वन बाय फोर एंड आपको ये भी पता हो है, है

यहां पर मान लो ट्वेंटी रख दिया मैंने तो फोर इंटू ट्वेंटी एटी होता है ठीक है, है अब यहां पर ऐसा क्या नंबर रखू कि एक्सपेंडिचर मेरा अभी भी एटी आए तो आप यहां पर देखोगे ध्यान से तो मुझे यहां पर रखना पड़ेगा सिक्सटीन तभी तो सिक्सटीन इंटू फाइव जो है वो एटी हो जाएगा एक्सपेंडिचर तो मेरा सेम हो गया मतलब मेरा जो कंजम्पशन है ना वो मुझे फोर यूनिट्स कम करना पड़ेगा ट्वेंटी में से मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो यहाँ पर कितना भैया गया गया डिक्रीज आ बट आप मुझे यह बताओ जब चीजें आगे जाकर के थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटिंग uh, होने लग जाएंगी एंड फ्रैक्शन में चीजें ज्यादा आएंगी तो हो सकता है मैं ये चीज ना वहां पर इंस्टेंटली गैस कर पाऊं कि क्या नंबर यहां पर रखना है इसलिए जो ईजीएस्ट मेथड होता है वो आप इसको फाइव को ऊपर लिखो हम लोगों को कितना डिक्रीज करना है या फिर इंक्रीज करना है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन ठीक है तो ये कुछ बेसिक तरीके थे जो कि आप अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चन में ओके okay, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है बट यहां पर जो हमारा फाइनल uh, जो आउटपुट है ना वहां पर चीजों को चेंज करके बताया जा रहा है ट्वेंटी परसेंट का वैल्यू मुझे पता है ट्वेंटी परसेंट इज नथिंग बट वन बाय फाइव तो अगर पहले प्राइस ऑफ राइस फाइव रहा होगा तो बाद में वन यूनिट का उसमें इंक्रीज हुआ है यानी कि अब मेरा जो फाइनल प्राइस है वो सिक्स है ओके okay? बाई वॉट परसेंट द कंजशन शुड बी डिक्रीज सो दर इज टेन परसेंट इंक्रीज इन दी एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो है ना वो टेन परसेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है मतलब अगर टेन परसेंट का मतलब क्या होता है भाई टेन परसेंट का मतलब होता है आपका वन बाय टेन ओके मतलब अगर पहले एक्सपेंडिचर टेन था तो अब जो नया एक्सपेंडिचर है वो टेन परसेंट इंक्रीज हुआ है यानी कि अब नया एक्सपेंडिचर जो है वो इलेवन हो गया है

डिक्रीज हुआ है वो चीज फाइंड आउट करने के लिए टू माइनस इलेवन बाई सिक्स डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड इस तरीके से काफी लंबा मेथड जो है उस तरीके से मुझे जाना पड़ेगा आंसर आपका वहां से भी आएगा आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसको मैं जनरली हंड्रेड लेट करके करूंगा ज्यादा ईजी मेरे लिए पड़ेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट प्राइस इन टू कंजम्पन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्राइस इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट मतलब अगर प्राइस मेरा पहले हंड्रेड था तो अब मेरा जो प्राइस है वो वन ट्वेंटी हो गया है ठीक है एक्सपेंडिचर कितना रहना चाहिए सो so दैट जो कंजन uh, कितना डिक्रीज हो सो दैट एक्सपेंडिचर केवल टेन परसेंट इंक्रीज हो तो पहले अगर मेरा एक्सपेंडिचर हंड्रेड था तो मेरा नया एक्सपेंडिचर जो है वो हंड्रेड एंड टेन होना चाहिए

तो आपने देखा दैट देख एक ही टाइप का क्वेश्चन है बट डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन कहीं पर मैं फ्रैक्शन का यूज कर रहा हूं कहीं पर मैं हंड्रेड लेकर के चीजों को कर रहा हूं जहां से जो चीजें मुझे ईजी पड़ रही है वहां से मैं उस चीज को जो है वो कर सक कर रहा हूं ठीक है अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर कंजम्पन हंड्रेड ही देना पड़ेगा एंड यहां पर जो कंजम्शन है वो लेवन बाई ट्वेल्व होगा तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर वन हंड्रेड एंड टेन बन रहा है ठीक है तो यहां से भी आप वन माइनस इलेवन बाय ट्वेल्व डिवाइडेड बाय वन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड करके जो है वो चेकआउट कर सकते हो सेम ही आएगा वन माइनस इलेवन बाय ट्वेल्व इज नथिंग बट वन बाय ट्वेल्व करेक्ट

इज इंक्रीज बाय थर्टी टू परसेंट मतलब प्राइस इन टू कंजम्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया जब फाइनल एक्सपेंडिचर में चीजें इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है मतलब चीजें सेम नहीं है तो मेरे लिए हंड्रेड लेकर के करना ज्यादा आसान पड़ता है तो प्राइस ऑफ प्राइस इज इंक्रीज बाय थर्टी टू परसेंट तो हंड्रेड अगर मेरा पहले था तो अब मेरा जो है वो कंजन प्राइज हो गया वन थर्टी टू ड्यू टू विच अ फैमिली अलाउड इट्स एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज इनक्रीज ऑनलीसेंट मतलब पहले मेरा एक्सपेंडिचर अगर हंड्रेड हुआ करता था तो अब मेरा फाइनल एक्सपेंडिचर जो है वो टेन परसेंट इनक्रीज हो रहा है करेक्ट तो इनिशियल कंजम्पशन वॉज थ्री नाइनटी सिक्स के जी फाइंड द न्यू कंजम्पशन चलो मैं देख लेता हूं इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यहां पर आप देखो पहले अगर मैं कंजम्पशन वन रखता हूं तो फिर मेरा हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड आ रहा है फाइनल कंजम्पशन में कितना रख सकता हूं भाई फाइनल कंजम्पशन में रख सकता हूं हंड्रेड एंड टेन बाय हंड्रेड एंड थर्टी टू ठीक है ये मेरा फाइनल कंजम्पशन है तो क्योंकि अब आप, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है एक्सपेंडिचर जो है वो कितना आ जाएगा भाई वो आ जाएगा आपका 110 आप इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहो तो 110 डिवाइडेड बाय 132 इज नथिंग बट 5 बाय तो मैं इसको डायरेक्टली 5 बाय सिक्स शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं 5 बाय सिक्स ठीक है अब मैं चीज़ों को ना यहाँ से 132 थर्टी टू माइनस वन करके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पूछा है ना कि कंजम्पन कितना परसेंट डिक्रीज हुआ हालांकि आप वैसे भी चीज़ों को जा सकते हो वैसे भी कर सकते हो बट वो फालतू के स्टेप्स जो है वो आपके क्वेश्चन में एड कर देगा आप पहले परसेंटेज डिक्रीज निकालोगे फिर आप फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करोगे फिर आप कंपेयर करोगे कि पहले का फ्रैक्शन 396 था एंड न्यू

उसकी तरीके से भी अगर आप चाहो तो जा सकते हो बट वो एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड करेगा बेकार का आपको जो है वो एक्स्ट्रा स्टेप्स लगाने पड़ेंगे बट जस्ट फॉर लाइक कंपैरिजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे ये चीज आप कर सकते हो 132 से 110 जाने के लिए मुझे कितना रिड्यूस करना पड़ेगा भाई वन थर्टी टू माइनस दैट इज नथिंग बट ट्वेंटी यूनिट्स तो मैं यहाँ पर ये चीज फाइंड आउट कर पा रहा हूँ का रिडक्शन हुआ है वन में मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड दिस इज नथिंग बट दिस इज वन बाय

ठीक है तो सिमिलरली फाइव यूनिट का जब आप फाइंड आउट करोगे तो सिक्सटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फाइव दैटम्स टू बी थ्री हंड्रेड एंड थर्टी के जी आप एक बार अगर फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चन को देख रहे हो तो आप एक बार जा... वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो ये तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां पर एक जगह पे आपको एक्सपेंडिचर सेम रखा जाएगा एक जगह पर आपको एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके दिया जाएगा एक जगह पर आपको जो है वो इनिशियल वैल्यू दे, दे दी जाएगी एंड फाइनल कंजम्पशन पूछा होगा इन तीनों को आप दो तीन बार प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह पर मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में भी काफी बार आ चुके हैं तो आपको आपका जो बेस है वो बेसिक है वो क्लियर होता चला जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं अब देखो ये फेल और पास वाले टाइप का क्वेश्चन हो जाता है ये एक नेक्स्ट टाइप बनता है जहां पर कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास होते हैं कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल होते हैं एंड फाइनली हम लोगों को पास परसेंटेज या फिर पासिंग मार्क्स जो है वो पूछा जाता है जनरली आप इसको एक नंबर लाइन ड्रॉ करके क्रिएट करोगे तो आप ज्यादा बेटर चीजों को जो है वो समझ पाओगे जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इसको थर्टी परसेंट मार्क्स एंड फेल्ड बाय टेन मार्क्स अब देखो मैं यहां पर एक जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ये है मेरा पासिंग मार्क्स

50% परसेंट मार्क्स एंड ऑपटेन 40 मार्क्स मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू पास से 40 ठीक है? मतलब बी अगर अज्यूम कर लो पास मार्क्स अगर 50 है तो बी को 90 मिले हैं इस तरीके से बट परसेंटेज की टर्म्स में अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो बी को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं भाई बी को केवल और केवल 50 परसेंट मार्क्स मिले हैं ठीक है वट इज दर्सेंटेज बस इसमें आपको बेसिकली परसेंटेज का गैप है एंड जो मार्क्स का गैप है ए और बी के बीच में उनको आपको जो है वो स्टडी करना रहता है एज सिंपल एज दैट जैसे ए और बी के बीच में परसेंटेज का गैप देखे तो कितना गैप का परसेंटेज का गैप है भाई ट्वेंटी परसेंट का गैप है ठीक है यह हो गया आपका परसेंटेज का गैप मैं यहां पर मैंशन कर देता हूं परसेंटेज गैप ठीक है एंड मार्क्स का गैप अगर मैं आपको बताऊं तो मार्क्स का गैप कितना है भाई मार्क्स मार्क्स का का गैप है ए और बी जो है वो एक दूसरे से फिफ्टी मार्क्स दूर है तो फिफ्टी मार्क्स जो है वो आपका दूर है ये आपका हो गया मार्क्स का गैप अब कुछ स्टूडेंट्स uh, ने जनरली मुझसे ये डाउट पूछा हुआ है कई बार दैट जब हम लोगों को परसेंटेज का गैप फाइंड आउट करना था तो मैंने सिंपली 50 और 30 को माइनस किया सबट्रैक्ट कर लिया बट जब हम लोगों को मार्क्स का गैप चाहिए था तो मैंने इन दोनों मार्क्स को ऐड किया तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ दैट एक जगह पर मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ एंड दूसरी जगह पर ऐड कर रहा हूं ऐसा इसलिए बिकॉज जब मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं ना तो मेरा जो लाइक रेफरेंस पॉइंट है ना वो ये पासिंग मार्क्स है ठीक है मेरा पासिंग मार्क्स जो है वो रेफरेंस पॉइंट है बट जब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं ना तो मेरा रेफरेंस जो है वो हंड्रेड परसेंट है ये पूरी लाइन यहां पर जीरो परसेंट मार्क्स होगा यहां पर हंड्रेड परसेंट मार्क्स होगा ठीक है इस तरीके से मैं परसेंटेज जो है वो पूरा का पूरा जीरो से हंड्रेड चल रहा है बट पास मार्क्स में ये आपका एक ब्रेक पॉइंट आ गया है एंड मैं इस पास मार्क्स से कंपेयर कर रहा हूं करेक्ट इस तरीके से जैसे आपको जब डिस्टेंस चलना होता है फॉर एग्जाम्पल ये आपका लेट से हाउस है कोई इंसान आपके घर से 50 किलोमीटर जो है वो राइट हैंड साइड में दूर है एंड दूसरा इंसान जो है वो लेफ्ट से 30 किलोमीटर दूर है आपके घर से लेफ्ट हैंड साइड में आपको जब पता करना हो कि भाई इन दोनों इंसान के बीच में कितना गैप है तो आप फिफ्टी प्लस थर्टी करते हो ठीक है तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है एक जगह पर हमको प्लस करना है एक जगह पर माइनस करना है तो बस इतना करने के बाद आपको बस सिंपली ये चीज पता करनी है दैट जो ट्वेंटी मार्क्स है ना वो इक्वल है फिफ्टी मार्क्स के मतलब 100 परसेंट मार्क्स के लिए मुझे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा मतलब पूरा पेपर जो था ना वो कितने मार्क्स का था भाई वो था आपके 250 मार्क्स का करेक्ट 250 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन था अब आपको टोटल मार्क्स पता चल गए इसके बाद या तो आप ए का परसेंटेज मार्क्स निकाल करके 10 ऐड कर लो तो आपको पास मार्क्स पता चल जाएगा ओके okay. या तो फिर आपको बी का परसेंटेज मार्क्स निकाल करके फोर्टी मार्क्स सब कर लो तो आपको पास मार्क्स जो है वो पता चल जाएगा बहुत ही सिंपल है तो अगर मैं बी के मार्क्स फाइंड आउट करूं तो बी को जो है वो फिफ्टी परसेंट मार्क्स मिले हैं तो टू फिफ्टी का फिफ्टी परसेंट मार्क्स कितना हो गया वन टू एंड फाइव वन मार्क्स जो है वो बी को मिले हैं बट बी को फोर्टी मार्क्स एक्स्ट्रा मिले थे करेक्ट तो पास मार्क्स कितना हो गया भाई पास मार्क्स हो गया वन ट्वेंटी माइनस फोर्टी मार्क्स यानी कि सिंपली आप ये करोगे 125 ट्वेंटी फाइव माइनस फोर्टी दैट कम्स आउट टू बी एटी ठीक है परसेंटेज के टर्म्स में मुझसे पूछा गया है तो मैं 85 जो है वो मेरा परसेंट पासिंग मार्क्स है टोटल मार्क्स जो है वो मेरा 250 है इसको आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई आपका आंसर आ जाएगा 34 परसेंट तो 34 परसेंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब देखो ये हमारा सिमिलर टाइप पे ही एक दूसरा क्वेश्चन है वीडियो को पॉज करके ये सेम क्वेश्चन जो है वो ट्राई करना बिकॉज अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो देखा था अब यहां पर ध्यान से अगर आप देखो तो इट इज मैं स्टूडेंट गॉट टेन परसेंट मार्क्स एंड फेल्ड बाई एटी मार्क्स तो अगेन मैं एक जो क्राइटेरिया है जो मार्क्स का वो यहां पर एक लाइन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर देता हूं ये हमारा लेट्स से पास मार्क्स है ठीक है एंड एक स्टूडेंट को टेन परसेंट मार्क्स मिले हैं एंड वो एटी मार्क्स से जो है वो फेल हो जाते हैं तो एटी मार्क्स का जो है वो डिफरेंस पड़ रहा है पासिंग मार्क्स एंड जो स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं एंड इनके परसेंटेज वाइज देखे हम लोग तो टेन परसेंट मार्क्स आए हैं सिमिलरली दूसरे स्टूडेंट को जो है वो ट्वेंटी मार्क्स कम आए ट्वेंटी मार्क्स से वो फेल हुआ है एंड ट्वेंटी मार्क्स आया तो यहाँ पर देखो अब जो मार्क्स है ना उसका जो डिफरेंस है वो केवल ट्वेंटी मार्क्स का है तो यहां कहीं पर जो दूसरा स्टूडेंट है, है उसका मार्क्स आया होगा एंड इसका जो डिफरेंस है ना वो है केवल ट्वेंटी मार्क्स का एंड परसेंटेज वाइज हम लोग अगर बात करें तो ये आपका मार्क्स जो है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट है अब देखो ये जो है वो क्वेश्चन पिछले वाले जो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा था इससे किस तरीके से डिफरेंट है यहाँ पर आपको जो पास मार्क्स है ना

जो यहाँ पर 15 परसेंट का डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल हो जा रहा है मेरे कितने uh, 60 मार्क्स के इक्वल हो रहा है ठीक है अब यहां पर अगेन मैंने जो दोनों मार्क्स थे ना उनको मैंने ऐड नहीं किया बिकॉज ये दोनों के दोनों जो है वो सेम uh, एक तरीके से पासिंग मार्क्स के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं तो ये चीज आपको थोड़ा सा लॉजिकल होकर के समझनी पड़ेगी दैट किस जगह पर आपको जो है वो चीजों को ऐड करना है एंड किस जगह पर जो है वो चीजों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है तो अगर 15 परसेंट जो है वो 60 यूनिट्स की वैल्यू है तो हमारे पास हंड्रेड की कितनी वैल्यू आ जाएगी हंड्रेड परसेंट का मतलब हो जाता है आपका कितने मार्क्स हो गए टोटल फोर फोर हंड्रेड ठीक है बिकॉज ऑब्वियसली वन परसेंट जो है वो फोर हो जाएगा हंड्रेड परसेंट मार्क्स यानी कि फोर हंड्रेड मार्क्स का आपका टोटल पेपर था अब आप किसी भी एक स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो फाइंड आउट करके पासिंग परसेंट जो है वो निकाल सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं इसी पर्सन बी की बात कर लेता हूं ठीक है तो बी को जो है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्क्स मिले हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्क्स यानी कि वन फोर्थ वन फोर्थ का यानी हंड्रेड मार्क्स मिलने हैं एंड हंड्रेड मार्क्स मिलने के बावजूद ये जो स्टूडेंट है ना वो ट्वेंटी मार्क्स से जो है वो फेल हो गया था मतलब जो पासिंग मार्क्स है ना वो कितना है पासिंग मार्क्स जो है वो हंड्रेड एंड ट्वेंटी है एंड अगर हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो टोटल मार्क्स फोर हंड्रेड है एंड हंड्रेड एंड ट्वेंटी अगर मेरा पासिंग मार्क्स है तो मेरा एग्जैक्टली exactly पासिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चीजें जो है वो आपको समझ में आई होंगी चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार अब ये हमारा एक डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन बन जाता है जहां पर आपको किसी एक पर्सन का अलग अलग चीजों में स्पेंड किया जाने वाला जो है वो परसेंटेज बता दिया जाता है इसी से मिलता जुलता इलेक्शन वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पर एक पर्सन को इतने वोट्स मिले आउट ऑफ दीज वोट मेनी वोट्स आर इनवैलिड इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो है वो वो गिवन होता हम लोग एक डिफरेंट टाइप में समझेंगे तो ये आप अगेन एक न्यू टाइप का जो है वो क्वेश्चन जो है वो एंटर कर लो ठीक है टाइप थ्री फोर फाइव जो जो भी आपका चल रहा होगा अकॉर्डिंगली अब यहां पर मुझे बोला गया मिस्टर अमर स्पेंड्स फिफ्टी परसेंट ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स चलो मान लिया दैट हंड्रेड जो है वो उनका इनिशियल हंड्रेड एक्स भी बहुत से स्टूडेंट्स मानते हैं बट चलो मैं लेकर के करता हूँ हंड्रेड एक्स कर लो कोई इशू नहीं है अब ये जो है हंड्रेड एक्स उनकी टोटल इनकम है अब फिफ्टी परसेंट जो है वो अपने हाउस होल्ड आइटम में जो है वो स्पेंड करते हैं तो मैं यहां पर जो है फिफ्टी एक्स जो है वो हाउस होल्ड आइटम मैं यहां पर हाउस होल्ड मैंशन कर देता हूं ठीक है एंड बचा हुआ जो अमाउंट है कितना बच गया भाई अमाउंट बच गया फिफ्टी एक्स आगे, आगे आपका रिमेनिंग ठीक है ये आपका रिमेनिंग आ गया अब मुझे आगे बोला गया है आउट ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड्स ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन ट्रेवल अब देखो इसके आगे बढ़ने के दो तरीके हैं पहला तरीका तो ये है दैट आप सिंपली यहां पर लिख दो दैट ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो ये जो है वो वहां पर खर्च कर रहे हैं कहां पर ट्रेवलिंग में खर्च कर रहे हैं ट्रेवलिंग में खर्च कर रहे हैं एंड दूसरा तरीका इसको मेंशन करने का का ये है है दैट आप 25 फाइंड आउट करो एंड तब जो आंसर आ रहा है वो यहां पर लिखो बट ये सेकंड मेथड कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में ही देखो चीजें मेरी जो है या तो डेसिमल में या तो फ्रैक्शन में आने लग जाएंगी तो वहां से चीजों को सॉल्व करना आपके लिए कंपेरेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा रेदर देन आप डायरेक्टली जो परसेंटेज लिखा हुआ है केवल और केवल उतना ही लिखो ठीक है तो मैं एज इट इज चलता हूँ जो परसेंटेज मुझे गिवन है मैं उसी के तरीके से चलता हूं मुझे आगे बोला गया है, ही परसेंट तो परसेंट जो है वो उन्होंने ट्रेवल में जो है वो स्पेंड कर दिया अब रिमेनिंग कितना बच गया भाई उनके पास सेवेंटी रिमेनिंग बच गया अब मुझे आगे बोला गया है थर्टी ऑन एंटरटेनमेंट अब देखो ये जो थर्टी है ना वो मुझे रिमेनिंग का नहीं बोला गया है। मतलब यहां पर मेरे को रिमेनिंग को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है मैं यहां पर सिंपली लिख सकता हूँ मुझे इंडिविजुअली वे टू के थ्रू में जाता तो मुझे बार बार परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता फिफ्टी का ठीक है एंड फिफ्टीन परसेंट ऑन शॉपिंग परसेंट ऑन शॉपिंग उन्होंने खर्च किया तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो टोटल परसेंटेज में कितना परसेंट खर्च कर लिया है भाई थर्टी सॉरी ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी प्लस फिफ्टीन इन्होंने टोटल सेवेंटी परसेंट जो है कितना है अप्रोक्सिमेटली थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट जो है ठीक है. है तो थर्टी परसेंट पैसे किसके थर्टी परसेंट फिफ्टी एक्स का थर्टी परसेंट जो है वो उनके पास बच गया है ठीक है अब देखो मुझे आगे क्या बोला गया रिमेनिंग ही इज लेफ्ट विथ अमाउंट नाइन हंड्रेड ठीक है इज मिस्टर अमर मंथली इनकम मतलब ये जो 30 है ना, ये मुझे रुपीज में नाइन हंड्रेड रुपीजन है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इस हंड्रेड परसेंट में से इसने परसेंट जो है वो सेव किया था तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख नहीं सकता मैंने x की जगह पर बेसिकली ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए परसेंटेज मतलब सिंबल लगा दिया है आप इसको x ले करके भी कर सकते थे तो मैं इसको इस तरीके से मेंशन नहीं कर सकता दैट थर्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ हंड्रेड परसेंट इज इक्वल्स टू नाइन हंड्रेड करेक्ट यही तो मुझे बोला गया है ना भाई दैट जो एक्स्ट्रा रिमेनिंग अमाउंट है ना वो नाइन हंड्रेड है बट ये थर्टी परसेंट किसका थर्टी परसेंट है फिफ्टी का जो कि ऑलरेडी फिफ्टी परसेंट था हंड्रेड का ठीक है बस मुझे इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर देना है एंड आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका होगा आपको इस हंड्रेड परसेंट को नहीं छेड़ना है क्यों नहीं छेड़ना है बिकॉज भाई इसी हंड्रेड परसेंट की तो मुझे वैल्यू चाहिए ना अगर मैंने एक्स लिखा होता तो आप समझ पाते या फिर परसेंटेज में भी आप समझ पा रहे हो इस हंड्रेड को मुझे नहीं छेड़ना है बाकी सबको मैं सिंपली सॉल्व करूंगा तो दिस इज नथिंग बट दिस इज थर्टी बाय हंड्रेड दिस इज फिफ्टी बाय हंड्रेड एंड दिस इज हंड्रेड परसेंट इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सिंपली जीरो जीरो कैंसिल कर दूंगा मैं तो हंड्रेड परसेंट इज इक्वल टू नाइन हंड्रेड आपको क्वेश्चन को करना है ये क्वेश्चन आपको समझना इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें हम लोगों को दो चीजें बेसिकली आउटकम हम लोगों को लेना है पहला तो ये दैट आपको बार बार हर एक स्टेज पे परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करना है दैट थर्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी निकाल लिया ऑफ फिफ्टी निकाल लिया एंड चीजों को डेसिमल या फ्रैक्शन में लेता चला गया बिकॉज ऐसा करोगे तो मैंने इसमें भी टाइप ए एंड टाइप बी के फॉर्मेट में जो है वो क्वेश्चन को लिया हुआ है आप आगे चल के देखोगे वहां पर आपको दिक्कत आने लगेगी एंड दूसरा हम लोगों को टेकअवे क्या करना है इस क्वेश्चन से दट इस क्वेश्चन को समझने से आपका जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है ना उसको आप बहुत ही ज्यादा इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो इलेक्शन से रिलेटेड वो आप सॉल्व कर पाओगे ठीक है चलो अब हम हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार इन अ टेस्ट कंटेनिंग ऑफ एटी क्वेश्चन आंसर सिक्सेंट ऑफ द फर्स्ट 40 फोर्टी क्वेश्चन करेक्टली वॉट परसेंट ऑफ अदर फोर्टी क्वेश्चन करेक्टली टू स्कोर एटी परसेंट ऑन एंटायर टेस्ट अब देखो टोटल मेरे पास 80 क्वेश्चन हैं एंड हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो वन मार्क्स है मतलब कि मुझे 80 मार्क्स जो है वो मेरा टोटल क्वेश्चन का वेटेज है अब मुझे बोला गया है भाई पास होने के लिए आपको एटी परसेंट तो लाना ही पड़ेगा ठीक है तो मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं तो, तो, तो मुझे यह चीज पता चलती है, exactly है वो मुझे करेक्ट करने होंगे इतने क्वेश्चन मुझे करेक्ट चाहिए तब जाकर के मैं पास हो जाऊंगा अब अंकिता का केस देखते हैं अंकिता ने 65 ऑफ़ द फर्स्ट 40 क्वेश्चन को करेक्ट किया है मतलब क्वेश्चन जो है उसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पहला 40 क्वेश्चन का सेट है एंड दूसरा 40 क्वेश्चन का सेट है इस फर्स्ट सेट में अंकिता ने 65 परसेंट जो है वो सही किया हुआ है मतलब 65 परसेंट ऑफ 40 करोगे तो आपको आएगा 26 26 मार्क्स इसको अंकिता को जो है वो यहां से ऑलरेडी मिल चुके हैं अंकिता को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए सिक्सटी फोर मार्क्स चाहिए मतलब एक्स्ट्रा कितने मार्क्स चाहिए भाई अंकिता को अंकिता को और थर्टी एट मार्क्स चाहिए है. मतलब अगला वाला जो सेट है ना सेट टू वहां पर अंकिता को थर्टी एट मार्क्स फाइंड थर्टी एट मार्क्स लेकर के आने हैं आउट ऑफ फोर्टी तो जब आप थर्टी एट मार्क्स आउट ऑफ फोर्टी कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा नाइनटी फाइव मतलब अंकिता को सेट में सेट टू में नाइन्टी परसेंट मार्क्स लेकर के आने होंगे तब जाकर के अंकिता जो है वो इस टेस्ट में पास हो पाएगी बहुत इजी क्वेश्चन था चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इनकूल ऑफ गर्ल्स इज नाइन सेवेंटी टू हाउ मेनी बॉयज आर देर इन दूल बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं दैट दैट 60% स्कूल uh, में लेट से 100 स्टूडेंट्स हैं मैंने मान लिया स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं अब इस 100 में से मुझे बोला गया 60 जो है वो बॉयज हैं

मैंने ये स्टेप डायरेक्ट कैसे लिखा मैं इसके पीछे का जो दो स्टेप मैंने एक तरीके से रिमूव किया है उसको मैं बता देता हूँ बिकॉज आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप ये वाला स्टेप खुद से लिखने लग जाओगे एंड ट्रस्ट में आपको ये वाला पर्टिकुलर स्टेप जो आप लिखना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको हर एक एरिथमेटिक के क्वेश्चन में टॉपिक्स में ये आपको हेल्प करेगा चाहे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात कर लो या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में तो बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला केवल कॉस्ट प्राइस को हंड्रेड या फिर मार्क प्राइस को हंड्रेड मान करके कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से मैंने कौन से दो स्टेप यहाँ पर जो है वो लिखे नहीं है पहला स्टेप तो ये दैट मेरा जो फोर्टी परसेंट है ना उसकी वैल्यू जो है वो नाइन सेवन टू है दूसरा मैंने स्किप किया है दैट की वैल्यू जो है वो होगी नाइन सेवनटी टू बाई फोर्टीट्री मेथड अगेन एंड uh, मुझे पूछा क्या था पूछा था पूछा ना सिक्सटी तो परसेंट की वैल्यू हो जाएगी नाइन सेवेंटी टू स्किप किया आप जब क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे एंड एक लेवल पर आ जाओगे तो आप भी इन दोनों स्टेप्स को बिना लिखे ही आगे डायरेक्टली लास्ट स्टेप पर पहुंच करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ओके okay. अब ये जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना ये एग्जैक्टली exactly सेम है जो हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन किया था मिस्टर अमर वाला बस एक डिफरेंस है कि मिस्टर अमर को हम लोगों को डायरेक्टली परसेंटेज बताया गया था किसने कहाँ पर कितना खर्च किया हुआ है एंड हम लोग जो अभी ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं यहां पर बीच में कुछ अमाउंट जो है वो या फिर अमाउंट या फिर एप्पल कुछ भी यूनिट जो है वो निकलेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल है सेवरल नंबर ऑफ मैंगोज मैंने मान लिया राहुल के पास हंड्रेड परसेंट मैंगोज है ठीक है हंड्रेड परसेंट हंड्रेड एक्स केवल हंड्रेड जो भी आपको अच्छा लगे कन्वीनियंट लगे वो आप यहाँ पर करो ऑफ आर रोटन मतलब फोर्टी परसेंट जो है वो खराब हो चुके हैं फोर्टी परसेंट जो है वो ठीक है एटी इस परसेंट दे तो देने के बाद उसके पास बच कितना जाएगा भाई एटी परसेंट देने के पास उसके बाद उसके पास ट्वेंटी परसेंट जो है वो बच जाएगा अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया है दैट उसके पास 90 एप्पल जो है वो रिमेनिंग है तो अगेन यहां पर आई थिंक कुछ क्वेश्चन uh, जो है आई थिंक मैंने आगे वो क्वेश्चन लिया जहां पर बीच में से भी कुछ एप्पल जो है वो खराब होते हैं या फिर बीच में से भी कुछ यूनिट्स निकलते हैं जो कि इस क्वेश्चन को एक लेवल और ऊपर ले जाता है वो आई थिंक मैंने इलेक्शन वाले क्वेश्चन में एड किया बट ये क्वेश्चन एक्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन की जैसा बन गया है यहां पर मुझे क्या पता चल रहा है दैट ट्वेंटी ऑफ सिक्सटी ऑफ हंड्रेड ज इक्वल टू नाइनटी बस आपको इसको सॉल्व कर देना है सिंपली ट्वेंटी आप इसको 1 by 5 लिखो ज़्यादा रहेगा. ठीक है मैं ज़्यादा लिख रहा हूं, because maybe some of, uh, the viewers, maybe तो उनके लिए. आप यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस के बाद डायरेक्टली चीजों को जो है वो आप मेंशन करने लग जाओगे तो 750 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 750 एप्पल्स जो है उनके पास राहुल के पास बिगनिंग में था ठीक है अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 65% परसेंट ऑफ अ नंबर इज मोर देन 25% फाइव परसेंट बाय वन बहुत ही सिंपल है मैंने मान लिया 100 ही वो नंबर है ठीक है इसका 65% कितना होगा 65 होगा ठीक है 25% कितना होगा 25 होगा अब ये इससे कितना बड़ा है भाई ये इससे 40%, 40 ज्यादा है ठीक है 40 यूनिट्स ज्यादा है बट मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 120 ज्यादा है ना तो मैं क्या ये नहीं कह सकता दैट 120 जो है वो 40 की वैल्यू है तो मुझे उसी नंबर के 20 परसेंट की वैल्यू चाहिए तो ट्वेंटी टू आर फोर्टी एंड टू सिक्सटी आंसर हो जाएगा एक स्टेप में आप क्वेश्चन को करने लगोगे आप अगर आपने यूनिट्री मेथड पर अपना कमांड कर लिया तो ठीक है कौन कौन सा गेन मैं बता देता हूँ स्टेप्स मैंने यहाँ पर स्किप किए हैं मैंने ये दो स्टेप स्किप किए परसेंट का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन ट्वेंटी है, मेरे 40 है, 1 का है 120 40, तो मैं हंड्रेड से मल्टीप्लाई करता बट मुझे ट्वेंटी परसेंट पूछा गया तो ट्वेंटी परसेंट की वैल्यू की वैल्यू uh, हो जाएगी थ्री इंटू ट्वेंटी ठीक है आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं हम लोग अब ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इस क्वेश्चन में जनरली मैंने देखा है दैट स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े अप्रोचेस को लेते हैं पहले वो मेल के जो नंबर है उसको एक्स लेट कर लेते हैं फिर फीमेल को वाई लेट कर लेते हैं दो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाते हैं एंड कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती है तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट आपको नहीं करना है आपको मैं एक बेसिक सा फंडा बताने वाला हूँ उसको अगर आप समझ गए तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व करते चले जाओगे चलो इस क्वेश्चन को अभी भूल जाओ एक हम लोग एक्जाम्पल लेते हैं किसी गांव में लेट से हंड्रेड पॉपुलेशन है हंड्रेड लोगों की पॉपुलेशन है ठीक है अब इस हंड्रेड में से फिफ्टी जो है वो मेल है फिफ्टी जो है वो फीमेल्स हैं मान लिया मैंने ओके अब मुझे बोला गया है ना दैट एक साल के बाद जो मेल की पॉपुलेशन है ना वो टेन परसेंट इंक्रीज हो जाती है तो मेल की पॉपुलेशन कितनी हो गई भाई फिफ्टी का टेन परसेंट क्या होता है फाइव होता है तो मेल जो है अब नया वाले मतलब एक साल के बाद फिफ्टी फाइव मेल्स हो गए सिमिलरली फीमेल भी जो है मेल भी जो है वो टेन परसेंट इंक्रीज हुए हैं एंड फीमेल भी जो है ना वो भी टेन परसेंट इंक्रीज हुए हैं करेक्ट तो फीमेल भी जो है वो नया एक साल के बाद न्यू विलेज या फिर एक साल के बाद कितनी हो जाएंगी फिफ्टी फाइव हो जाएंगी तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो कितना हो जाएगा पिछले साल हंड्रेड था इस साल अब क्योंकि दोनों लोग जो है वो फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव इंक्रीज हो गए तो अब जो मेरा नया पॉपुलेशन हो जाएगा वो हंड्रेड एंड टेन हो जाएगा दैट इज नथिंग बट मेल प्लस फीमेल तो आप यहां पर आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ ट इंडिविजुअली मेल एंड फीमेल में अगर इक्वल परसेंटेज चेंज हो रहा है ना तो फाइनल में भी आप देखो ना यहाँ से यहां तक जाने में केवल और केवल टेन परसेंट का ही इंक्रीज हुआ है करेक्ट मतलब ये देट अगर मैं इंडिविजुअली मेल मेल को लेट से एटीन परसेंट इंक्रीज करता फीमेल की फीमेल को भी मैं increase करता, तो मेरा जो पॉपुलेशन है ना वो हंड्रेड से हंड्रेड एंड एटीन हो जाता एटीन की जगह पर अगर मैं मेल को कुछ भी कुछ भी रेंडम सा वैल्यू ले लो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट इंक्रीज करता फीमेल को भी 16.66 इंक्रीज करता ना तो ये दोनों कुछ भी नहीं है एवरेज ही हो रहे हैं कि मेल प्लस पॉपुलेशन है इंक्रीज करता ठीक है आई होप आपको ये पूरा यहां तक एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा चीजों को मैं अगर सेम परसेंटेज से इंक्रीज कर रहा हूं ना तो ओवरऑल जो ऊपर मतलब जो मेन पॉपुलेशन है ना वहां पर भी सेम परसेंटेज का इंक्रीज या फिर डिक्रीज आएगा अब आप इस क्वेश्चन को देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में मैंने मान लिया है दैट मेल ने मेल जो है ना ओके मेल जो है ना वो एट परसेंट इंक्रीज किए हैं मेल जो है वो एट परसेंट इंक्रीज किए हैं एंड फीमेल जो है फीमेल कितने परसेंट इंक्रीज की है फीमेल जो है वो केवल और केवल फाइव इंक्रीज की है मैंने आपको क्या बोला था दैट अगर मेल और फीमेल इक्वल नंबर से इंक्रीज करते हैं ना तो मेरा जो ओवरऑल पॉपुलेशन है ना वो भी इक्वल ही इंक्रीज हो जाता है मतलब ये आप समझ लो ना दैट टोटल पॉपुलेशन कितनी है भाई 9600 है 9600 है अगर मैं मान लेता हूं दैट मेल 8 परसेंट नहीं मेल भी केवल 5 परसेंट इंक्रीज हुए हैं मैं ऐसा मान लेता हूं मेल भी 5 परसेंट इंक्रीज हुए हैं फीमेल भी 5 परसेंट इंक्रीज हुए हैं तो जो मेरा पॉपुलेशन है ना वो 9600 से भी केवल 5 परसेंट इंक्रीज होता क्यों मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया है तो नाइन्टी अगर हंड्रेड परसेंट है तो वन हंड्रेड फाइव परसेंट आपका हो जाएगा, ठीक है तो ओवरऑल में इंक्रीज कितना हुआ भाई मेरा फाइनल बन गया बट यहां ओवरऑलेशन मेंिक्स माइनस वन जीरो 10080 जब आप करोगे तो आपका कितना आएगा भाई आपका आ जाएगा 96. मतलब 96 है ना वो क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पॉपुलेशन में बिकॉज यहां पर तीन परसेंट मेल को जो मैंने इग्नोर किया था ना उसकी वजह से 96 सिक्स पॉपुलेशन जो है वो एक्स्ट्रा आ रही है करेक्ट तो मैं आप ध्यान से देखो यहां पर मैं ये नहीं कह सकता दैट ये जो 96 मेल्स है ना वो एक्चुअल में थ्री परसेंट मेल की वैल्यू है थ्री परसेंट मेल की जो वैल्यू है वो नाइनटी सिक्स है तो हंड्रेड परसेंट मेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड दैट इज नी टू हंड्रेड ठीक है तो 3200 मेरे 100 परसेंट मेल की वैल्यू थी इन इनिशियली मेरे गांव में मेरे विलेज में 3200 मेल थे ये बहुत ही इजी तरीका मैंने थोड़ा स्लो आपको बताया समझाने के लिए बट एक बार आप इस चीज को समझ जाओ तो आप इसी वाले अप्रोच को जो है वो फॉलो करोगे रेदर देन मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट जो है वो एट परसेंट एक्स मेल को लेट कर लेते हैं फिर वाई लेट कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बना लेते हैं आपको बस इतना समझना है मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल परसेंटेज से इंक्रीज करो मेल को कम करो ऐसा मत करना कि फीमेल को आप एट परसेंट मान लो बिकॉज फीमेल को एट परसेंट मान लोगे ज्यादा मानोगे लो तो फिर तो वैसे आप वैसे भी कर सकते हो फीमेल को भी ज्यादा मान करके कर सकते हो फिर जो डिफरेंस आएगा आपको उसके अकॉर्डिंग फीमेल का जो परसेंटेज है वो पता चल जाएगा बट मैं जनरली चीजों को कम करके करता हूं ज्यादा ईजी रहता है बिकॉज वी नो दैट चीजों को एड करना सिंपल होता है सब्ट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा ठीक है चलो आगे चलते हैं हम लोग अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जहाँ पर जो है ना हम लोगों को एक परसेंटेज वाइज एक फ्रैक्शन वाइज हम लोगों को चीजों को डील करना पड़ सकता है बिकॉज यहाँ पर थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट अगर मैं इसको वन हंड्रेड थर्टी थ्री पॉइंट में लेके जाऊं तो चीजें मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकती हैं तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अ मैन स्पेंड्स ट्वेंटी ऑन रेंट वन थर्ड ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग ऑन ऑन ट्रेवल तो मैं एक काम कर लेता हूँ इस रेदर देन अज्यूमिंग हंड्रेड मैं एक काम करता हूँ इसको मैं वन अज्यूम कर लेता हूँ ठीक है अब वन फोर्थ जो है ना वो रेंट पे चला गया ठीक है वन थर्ड ऑफ द इनकम है वो आपका चला गया फूड पे एंड फिफ्टी ओके वन फोर्थ जो है वो रेंट पे गया एंड रिमेनिंग कितना था भाई रिमेनिंग था आपका थ्री फोर्थ थ्री बाय फोर जो है वो रिमेनिंग हुआ ठीक है ये वन फोर्थ इज ऑन रेंट इसको मैं रेंट लिख लेता हूं एंड थ्री फोर्थ इज रिमेनिंग अब आगे मुझे बोला गया है रिमेनिंग का ट्रेवल पे जो है वो खर्च करते हैं फूड इसका टू थर्ड जो, जो है वो ट्रेवल में खर्च करते हैं तो इस टू बाई थ्री के भी दो पार्ट होंगे वन बाय टू जो है वो ट्रेवल में खर्च कर देते हैं एंड वन बाय टू जो है वो सेव कर लेते हैं एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ इज सेविंग्स आर फाइव थाउजेंड ठीक है मतलब इस वन By टू की जो वैल्यू है ना वो फाइव थाउजेंड है तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता दैट वन बाई टू ऑफ टू बाई थ्री ऑफ थ्री बाई फोर ऑफ वन इस वन की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप इसको मान 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 लो 100x मान लो one मान लो सब सेम चीज़ है one is equals to बस आपका क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुका है इस वन को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना इसी की वैल्यू बेसिकली हमको फाइंड आउट करनी है तो आप इसको ये नहीं लिख सकते That मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाय फोर डिवाइडेड बाय सिक्स जो है वो आपका वन यूनिट की वैल्यू हो जाएगी तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड तो ये आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बहुत ही ज्यादा सिंपल है अगर मैं इसको हंड्रेड लेट करके करता तो आप देख ही रहे हो डैट मेरे पास हंड्रेड एंड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री होता जो कि मेरे कैलकुलेशन को जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट कर देता चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीजेस बाय 12 परसेंट इन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है आप इसको जो है एक और बार मेंशन uh, कर सकते हो लाइक एक डिफरेंट टाइप में इसको मेंशन कर सकते हो ये बेसिकली आपके सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन हो जाता है जैसे अगर मैं कुछ बेसिक सा एग्जाम्पल दूँ फॉर एग्जाम्पल हमारा टी शर्ट है एक टी शर्ट है जो कि आप रिलायंस ट्रेंड्स या पेंटेलून्स में गए एंड इस टी शर्ट पर एग्जाम्पल लेट से लिखा हुआ है इस टी पे पहले से टेन ऑफ है ठीक है टेन परसेंट ऑफ है एंड इस टी शर्ट को लेने के बाद जब आप आ, बिलिंग काउंटर पे जाते हो ना तो आप कुछ कूपन देते हो उस कूपन से जो है आपका जो भी पर, आपने सामान खरीदा होगा ना उस उसपेट का आपको एडिशनल ऑफ ऑफ मिल रहा है है का एडिशनल आपको जो है वो देखने को मिल रहा है तो अगर मैं अब आपसे पूछूं दैट पूछूटाई इस टी शर्ट पे ओवरऑल आपको कितना ऑफ मिल चुका है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आंख बंद करेंगे एंड बोल देंगे इज इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं बट ये गलत अप्रोच होती है ये जो एडिशनल ऑफ मिल रहा है ना वो आपको इनिशियल प्राइस पे नहीं मिलता है ऑफ होने के बाद वाले प्राइस पे कैलकुलेट होता है मतलब अगर मेरे इस टी शर्ट का जो प्राइस था वो हंड्रेड था तो टेन परसेंट ऑफ के बाद वो केवल नाइन्टी हो जाएगा ठीक है एंड ये जो फाइव परसेंट मिलेगा ना वो आपको नाइन्टी पे मिलेगा यानी कि फोर पॉइंट फाइव रुपीज और आपको ऑफ मिल जाएगा तो आपको फाइनली जो ये प्र, 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 प्राइस है ना वो आपको कितना आ, कितना पड़ेगा टी शर्ट का वो आपको पड़ेगा एट्टी फाइव 0.5 मतलब आपको 100 की चीज जो है वो 85.5 में मिल रही है मतलब आपको परसेंटेज में एक्जैक्टली exactly कितना आपको ऑफ आप मिला है परसेंटेज में एक्जैक्टली exactly आपको 14.5 परसेंट का ऑफ मिला है ना कि 15 परसेंट का आई होप आप चीजों को समझे होंगे करेक्ट इसी को हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं मतलब किसी एक चीज पर बार बार कुछ चीज ऑफ हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है ना तो हम लोग उसको डायरेक्ट ऐड करके आंसर नहीं बताते हैं बिकॉज बेस जो है वो बदलता रहता है अब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में कुछ फॉर्मूला भी होते हैं जो कि मैंने ना तो कभी याद किया ना ही आपको याद करने को रिकमेंड करूंगा जो कि आई थिंक समथिंग ए प्लस बी प्लस ए बी बाय हंड्रेड होता है अब ये फॉर्मूले जो है वो बेसिकली याद आपको क्यों नहीं रखने चाहिए बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है पहले तो ये कि जो फॉर्मूला है अगर वो तीन क्वांटिटी के लिए हम लोग करते हैं तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए समथिंग समथिंग ठीक है एंड उसके अलावा अगर इंक्रीज हो रहा होता है तो आपको प्लस सिंबल यूज करना होता है डिक्रीज हो रहा होता है तो आपको माइनस सिंबल यूज करना होता है तो काफी सारा झंझट है बहुत सारी चीजें आपको जो है वो याद रखनी पड़ती है रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है इसलिए मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा दैट आप फॉर्मुला अप्रोच से जाओ आप सिंपली चीजों को हंड्रेड लेट करो एंड तब जाकर के चीजों को सॉल्व करो ज्यादा बेटर वे में आप चीजों को समझ करके कर पाओगे चलो अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड देखते हैं दैट क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अब इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है ट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय ट्वेल्व परसेंट इन द फर्स्ट ईयर चलो ठीक है मैंने मान लिया दैट पॉपुलेशन जो है ना वो इनिशियली हंड्रेड थी ठीक है अब 100 के बाद 12% परसेंट करना है तो सिंपली मैं इसमें 112 100 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको आप ध्यान रखो, मैं इसको डायरेक्टली 100 से 112 भी लिख सकता था बट ऐसा मैं नहीं करूंगा Because ऐसा करने से जो है, है ना तो आप जब आप इसका 10 परसेंट डिक्रीज करोगे ना तो आपको इसमें करना पड़ेगा तो अगेन आप अपना टाइम वेस्ट करोगे जो मैं सिखा रहा हूं आप वैसा सीखते चलो अब ये चीज मैंने क्यों लिखी देखो इसलिए लिखी क्योंकि मुझे बोला गया है ना मैंने मान लिया कि इनिशियल परसेंटेज जो था इनिशियल पॉपुलेशन जो था वो हंड्रेड था मतलब मैं ये कह रहा हूं दैट अगर मेरा पॉपुलेशन हंड्रेड है ना तो उसमें ट्वेल्व परसेंट इंक्रीज होने के बाद हंड्रेड एंड ट्वेल्व चीजें बढ़ रही हैं मतलब ये जो हंड्रेड है मेरे हंड्रेड यूनिट्स की ही वैल्यू है चलो आगे बढ़ता हूं मैं कोई इशू नहीं है अब देखो आगे मैं आपको बताऊंगा तब आप बेटर समझ पाओगे अब इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ एक वैल्यू आ जाता है लेट से एक्स आ जाता है ठीक है मैं मैं लेट नहीं कर रहा हूं मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं एक्स कुछ इसको सॉल्व करके समथिंग समथिंग आ गया वो समथिंग वैसे वन है चलो मैं इसको एक्स अज्यूम कर लेता हूं अब मुझे बोला गया है ना इट इट डिक्रीजेस बाय टेन परसेंट अब ये जो है ना टेन परसेंट से डिक्रीज हो रहा है मतलब मैंने माना कि ये हंड्रेड एंड ट्वेल्व नहीं है ये एक्चुअल में हंड्रेड है एंड

तो मैं क्या इसको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकता था आई होप तक आप चीजों को समझे होंगे आ, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आए तो आप एक बार रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देखो तो मैं क्या इसको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ बट मल्टीप्लाइड बाय अब मैं इस पूरे पॉपुलेशन को हंड्रेड मान रहा हूँ इस पूरे पॉपुलेशन को मैं हंड्रेड मान रहा हूँ हंड्रेड एंड चीजें जो है वो चेंज टेन परसेंट डिक्रीज होकर नाइन्टी बन चुकी है सेम बस यहाँ पर एक्स की जगह पर मैंने जो पूरा का पूरा ये चीज था वो मैंने लिखा है कहाँ से चीजें आई यहां से आई मतलब ये दैट मैंने उस एक्स को भी मतलब इस 112 को भी 100 मान लिया ठीक है आगे मुझे क्या बोला गया? 50, 400, वो दिया गया था आई होप आपको यहां तक का आया होगा इस 100 को मुझे नहीं छेड़ना है इसी 100 की मुझे वैल्यू पूछी गई है मैं सिंपली इस 100 यूनिट्स इज इक्वल टू चीजों को सॉल्व कर दूंगा फिफ्टी हंड्रेड ये जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय टेन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड एंड ट्वेल्व इंटू नाइन तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा समथिंग अराउंड फिफ्टी थाउजेंड तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ठीक है आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा आप इसको फॉर्मले से अगेन मैं आपको याद दिला दूं आपको बिल्कुल भी फॉर्मुला अप्रोच जो है वो एग्जैक्ट एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है फॉर्मुले में आप फंस करके रह जाओगे जब थ्री क्वांटिटी दिया जाएगा तो आप जो है वो चीजों को कॉम्प्लीकेट करने लग जाओगे मे भी आपको प्लस माइनस याद ना रहे बट ये फॉर्मूला जो है ये जो तरीका है ना ये हर बार वर्क करेगा ये केवल और केवल कॉन्सेप्ट है मैं अगेन बता रहा हूँ आपको केवल अपने परसेंटेज में हंड्रेड हंड्रेड जो है वो अज्यूम करके चलते रहना है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा ओके okay, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखो इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही मतलब एक तरीके से ये टाइप बन जाता है डिफरेंट टाइप बन जाता है इस वाले क्वेश्चन का जो हम लोगों ने यहां पर देखा ना ऑफ इनकम अब इसमें बीच में से कुछ पैसे निकल नहीं रहे थे ना एज इट इज जो है वो चीजें चलती आ रही थी बट अब इस वाले क्वेश्चन में बीच में से पैसे निकलेंगे अब ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पार्ट बन जाता है उस वाले टाइप का देखो कैसे आपने इसको सॉल्व करना है

That, अब हम लोग जो है है ना वो 95 है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं करेक्ट क्योंकि अब अगर इस पर्सन ने ये डोनेशन नहीं दी होती ना तो उसके पास नाइन्टी फाइव परसेंट रिमेनिंग होता तो चलो मैं इसी नाइन्टी फाइव परसेंट को पिक करके देखता हूं तो नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ एटी परसेंट ऑफ हंड्रेड 120, है, ये जो है वो में से अगर मैं वन ट्वेंटी रुपीज माइनस कर देता हूं ना उस नाइन्टी फाइव परसेंट रिमेनिंग में से भी वन ट्वेंटी माइनस कर देता हूं ना तब जाकर मेरे पास जो है वो फोर्टीन हंड्रेड रुपीज बच जाते हैं तो इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा आई होप आपको यहां तक इक्वेशन जो है वो समझ में आई होगी अब इसमें एक और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस वन ट्वेंटी के बाद भी मैंने बाइफर्केशन दिए हुए हैं अलग अलग तो वहां पर चीजें जो है एक लेवल और ऊपर चली जाती है उसमें आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत पड़ जाती है मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझा देता हूँ फॉर दोस्त जो इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हंड्रेड पहले था मेरे पास एटी परसेंट रिमेनिंग था 80% में से उसने 5% ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया एंड उसके पास 95% बच गए अब मैं इसको इस तरीके से भी देख सकता हूं दैट 95 परसेंट में से भी उसने वन ट्वेंटी रुपीज खर्च किए तब जाकर के उसके पास फोर्टीन हंड्रेड रुपीज बचे हैं क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना तो मैं इसको इस तरीके से भी अज्यूम कर सकता हूं या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो दैट इसके पास नाइन्टी जो है वो बच गए एंड इस परसेंट में से भी उसने वन ट्वेंटी डोनेट कर दिए तब जाकर उसके पास कितने पैसे बच गए तो किया, मैंने, मैंने किया तब जाकर मुझे फोर्टीन मिला इस चीज को मैंने बेसिकली इक्वेशन में लिखी है ठीक है तो दिस इज नथिंग बट नाइनटी फाइव परसेंट ओके मैं इसको डायरेक्टली जो है वो इक्वेशन फ्रैक्शन में जो है वो लिख देता हूँ सो देट आपके ज़्यादा ईजी हो जाएगा तो आपको बेसिकली जो रुपीज़ हुआ है ना उसको आपको रुपीज़ की तरीके से ट्रीट करना है मतलब ये जो 120 है ना इसको आपको राइट हैंड साइड बेच करके सिंपली आपको ऐड करना है तो दिस इज नथिंग बट 19 बाय 20 ऑफ 4 बाय 5 ऑफ 100 इज इक्वल टू 1400 प्लस 120 15

इसके बाद जैसा मैंने बताया इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाने के लिए ये जो चीजें रुपीज में माइनस हो रही है ना उसको हम लोग बीच में कहीं पे कर देंगे तो वो ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज कर सकता है अब देखो ये हमारा इलेक्शन वाला क्वेश्चन बन जाता है ठीक है ये आप डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाता है तो आप जो भी जहां पर भी टाइप वन टाइप टू जो भी नोट कर रहे होंगे तो वहां पर जो भी टाइप नंबर तक पहुंचागा वहां पर आप इसको मेंशन कर सकते हो अब यहां पर मुझे मेंशन किया हुआ है दैट इन एन इलेक्शन ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट मतलब अगर मैं मान लेता हूँ टोटल वोटर्स अगर हंड्रेड थे तो उसमें से आठ ने तो चलो वोट ही नहीं दिए तो वोट दिए है यहाँ पर टोटल वोट बोला गया है ठीक यह है टोटल वोट हमेशा हंड्रेड थे ए को फोर्टी एट परसेंट ऑफ द टोटल वोट मिला है मतलब ए जो है ना उसको मिले हैं अब ये पहली थी जो स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा है 92, 92 नहीं है है 48 ऑफ 100 बोला गया अब दूसरी मिस्टेक जो गलती स्टूडेंट्स गल करते हैं वो ये दैट बी को सिंपली हंड्रेड माइनस करके यानी कि डायरेक्टली लो वो लोग है फिफ्टी टू वर्ड दे देते हैं ठीक है क्योंकि उसको भी जो है वो यहां से कंपेयर कर लेता है बट आप मुझे बताओ अगर इसको 52 मिल गए बट बी हारा या जीता है उसका कंपेरिजन इस नाइनटी से होगा करेक्ट तो आप इस फोर्टी को जो है ना नाइनटी टू से सब्रैक्ट करके जो है वो लिखोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई बी को फोर्टी फोर मिले हैं आई होप अब आपको चीजें जो है वो ज्यादा बेटर समझ में आई होंगी अब मुझे बोला गया है कि वन बाय फोर्टी इलेवन हंड्रेड वोट मतलब यहां पर कितने यूनिट से जीता है भाई ए ए जो है वो फोर यूनिट से जीता है तो फोर यूनिट की जो वैल्यू है वो लेवन हंड्रेड है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड मतलब मुझे हंड्रेड यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इलेवन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड में अगर करूंगा तो मेरे पास मेरे पास कितना आ जाएगा भाई ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो मेरा जो बी ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आई होप आपको यहां तक जो है वो चीजें समझ में आई होंगी ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं In an two 20 अच्छा खुद से इसको जरूर ट्राई करना 100 वोटर्स है मान लो किसी भी विलेज में अब 20 परसेंट ने तो अपना वोट दिया ही नहीं तो मैं मान लेता हूं ट्वेंटी ने तो वोट ही नहीं दिया तो वोट दिया कितनों ने वोट दिया एटी लोगों ने अब आगे देखो जैसा मैंने बताया था रुपीज जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है ना वो लास्ट आ, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में एकदम लास्ट में जाके एक्सट्रैक्ट हो रहा था तो मुझे चीजें जो है वो इजी पड़ गई थी बट इसको भी हम लोग एक लेवल और ऊपर लेकर के जाए तो अब यहाँ पर जो वोट है ना वो बीच में निकल रहे हैं मतलब वोट जो है वो यूनिट जो है वो बीच में हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करके बताया जा रहा है अब इस एटी वोट में से भी टू थाउजेंड वोट जो है ना वो इनवेलिड हो जाते हैं टू थाउजेंड वोट जो है वो इनवेलिड हो रहे हैं ठीक है उसके बाद मुझे बोला गया है द विनिंग कैंडिडेट गॉट सिक्सटी परसेंट ऑफ द वैलिड वोट मतलब 80% जो वोट डले थे उनमें से 2000 जो है वो इनवैलिड हो गया तो जो रिमेनिंग बच रहा होगा ना मेरे पास कुछ रिमेनिंग परसेंटेज बच रहा होगा उस रिमेनिंग में से 60% जो ये वैलिड वोट्स है ना 60% जो है वो जीतने वाले कैंडिडेट को मिले हैं एंड 40% जो है वो हारने वाले कैंडिडेट को मिले हैं ठीक है एंड जो डिफरेंस है विनिंग एंड लूजिंग कैंडिडेट के बीच में वो एट वोट्स का है अब मैं यहां पर यह कह सकता हूं एंड टोटल वोटर्स एनरोल मतलब इस हंड्रेड यूनिट की वैल्यू मुझे पूछी गई है अब यहां पर मैं यह कह सकता हूं दैट जो जीतने वाले कैंडिडेट है ना उन्होंने ट्वेंटी परसेंट मार्जिन से हारने वाले कैंडिडेट को जो है वो हराया है तो मैं क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं ट्वेंटी परसेंट uh, जो है ना वो हमारे एट थाउजेंड की वैल्यू है मतलब डायरेक्टली नहीं मतलब जो ट्वेंटी परसेंट से हारा है मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में वो वैल्यू जो है वो एट थाउजेंड है तो ट्वेंटी परसेंट डायरेक्टली नहीं लिख सकता ना मैं ट्वेंटी परसेंट ऑफ रिमेनिंग रिमेनिंग कितना है आप ये देखो रिमेनिंग कितना है रिमेनिंग है आपका एटी परसेंट ऑफ वन हंड्रेड एटी परसेंट ऑफ वन हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड यह आपका है ना भाई रिमेनिंग दिस इज इक्वल टू एट थाउजेंड आपको ये इक्वेशन समझना है अगर आप ये इक्वेशन समझ गए तो आप जो है वो क्वेश्चन को समझ जाओगे मैं आपको ये इक्वेशन फिर से समझा देता हूं 80% परसेंट वोट जो वैलिड थे उसमें से 2000 वोट इनवैलिड हो गए अब इसको माइनस करने के बाद मेरे पास कुछ आर यानी कि रिमेनिंग वैलिड वोट्स आए होंगे उस वैलिड वोट जो है उसमें से 60% परसेंट एंड 40 परसेंट जो है वो जीतने और हारने वाले को मिले हैं 20% परसेंट वैल्यू ठीक है ऑफ रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट ऑफ रिमेनिंग एंड ये रिमेनिंग कितना है भाई एटी परसेंट ऑफ हंड्रेड में से टू थाउजेंड माइनस हो गया वहीं तो मैंने लिखा है ना भाई एटी परसेंट ऑफ वन हंड्रेड में से टू थाउजेंड ये टू थाउजेंड माइनस हो गया वो है ये रिमेनिंग ठीक है एंड इस सबको माइनस करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है एट थाउजेंड इस इक्वेशन को आपने समझना है अब आप इसको जब फर्दर सॉल्व कर लोगे तो यू विल कम विद वन बाय फाइव यानी कि मैं फाइव को उधर भेज के डायरेक्टली फोर्टी थाउजेंड कर देता हूं एंड टू थाउजेंड को उधर भेज के प्लस भी कर देता हूं फोर्टी टू थाउजेंड बन गया और यहां पर एटी परसेंट इज नथिंग बट फोर बाय फाइव ठीक है फोर बाय फाइव ऑफ हंड्रेड इज इक्वल टू कितना हुआ था ये फोर्टी टू थाउजेंड तो डायरेक्टली मेरे को हंड्रेड यूनिट्स की वैल्यू पता करनी है तो हंड्रेड यूनिट इज इक्वल टू फोर्टी टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय फाइव डिवाइडेड बाय फोर ठीक है अब इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपका आंसर आ जाएगा फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आएगी बस आपको एक बार बेसिक समझना है दैट कैसे मैं चीजों को जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ किस तरीके से जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है बीच में भी कोई वैल्यू निकल जा रही है मेरी टू थाउजेंड जो है वो इनवैलिड हो गए उस केस में भी किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है पिछले क्वेश्चन में ही जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना टू थाउजेंड वोट्स का या टू थाउजेंड रुपीज का डोनेशन के फॉर्म में हुआ था वो लास्ट में हुआ था तो चीजें फिर भी ईजी थी बट इस केस में अगर आप इस क्वेश्चन को इक्वेशन को समझ गए हो तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं ओके okay, अब ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाता है जिसमें कुछ हम लोगों को कितना यूनिट हम लोग ज्यादा खरीद पा रहे हैं या कम खरीद पा रहे हैं उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो गिवन होता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर बाय थर्टी परसेंट अन बाई सिक्स केजीज लेस फॉर रुपीज फाइव ट्वेंटी बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है आपको बस इतना ध्यान रखना है इसमें दैट अगेन प्राइज इन टू कंजम्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ठीक है अब आपको ये बताओ ये जो पर्सन है वो पहले और बाद में भी कितना खर्च कर रहा है फाइव ट्वेंटी खर्च कर रहा है ठीक है मतलब रुपीज फाइव ट्वेंटी वो खर्च कर रहा है मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते पहले भी वो इंसान फाइव ट्वेंटी ही खर्च करता था अभी भी वो इंसान जो है वो फाइव ट्वेंटी ही खर्च कर रहा है तो ये फाइव ट्वेंटी बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन ये कह रहा है दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज सिंपल ये टर्म्स है और इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया हुआ है मैंने देखा है स्टूडेंट जो है वो 520 को पकड़ करके एंड इसके साथ जो है वो अपने कैलकुलेशन लगाने लगते हैं एंड बार बार फंस के रह जाते हैं कैलकुलेशन में दैट इज 520 को मैं कैसे यूज करूं भाई आपने फाइव को यूज करना ही नहीं है ये बस आपको इतना बता रहा है दैट एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है ठीक है अब देखो प्राइस जो है वो शुगर का थ्री थर्टी परसेंट से इंक्रीज हो गया यानी कि टेन बाय थ्री यानी कि अगर पहले प्राइस टेन था तो थ्री का इंक्रीज होकर थर्टीन हो गया अब कंजन जो है वो कितना रहना चाहिए भाई ताकि ये एक्सपेंडिचर चेंज ना हो तो थर्टीन से टेन जाना है मुझे करेक्ट थर्टीन से टेन जाना है ओके अब आगे देखो अ मैन कैन बाय बायस लेस बट मेरे अकॉर्डिंग तो थ्री यूनिट लेस खरीद पा रहा है मतलब थ्री यूनिट इज इक्वल टू सिक्स के जी है पूछा क्या हुआ है ओरिजिनल प्राइस पर ओरिजिनल प्राइस पर के जी प्राइस इनिशियली पूछा हुआ है ना तो बहुत ईजी है आपको यहां पर थ्री यूनिट जो है वो बेसिकली सिक्स के जी का इक्वल है ठीक है तो वन यूनिट कितना हो गया वन यूनिट टू के जी इक्वल हो गया एंड पहले आप कितना consumption ले रहे थे भाई Thirteen units खरीद रहे थे ना पहले आप तो 13 units आप पहले खरीद रहे थे तो अब आप बेसिकली ट्वेंटी सिक्स के खरीद पा रहे हो मतलब पहले आप ट्वेंटी सिक्स के जी खरीदते थे ठीक है अब आपको उस एक्सपेंडिचर में जो फाइव ट्वेंटी है ना वो आपको जो है वो यूज करना है अब आप ये बताओ फाइव ट्वेंटी रुपीज में कोई चीज ट्वेंटी सिक्स के आ रही है तो एक के जी का दाम कितना हो गया भाई वन के जी का दाम आप यहां से इजिली फाइंड आउट कर सकते हो ट्वेंटी रुपीज पर के जी आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आगेगा इनिशियली आपको फाइव ट्वेंटी का कोई भी यूज नहीं है ठीक है आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं ओके okay. अब ये हमारा कुछ मिक्सचर वाले क्वेश्चन बन जाते हैं ये भी आप एक डिफरेंट टाइप में जो है वो मैंशन कर लो अ मिक्सचर ऑफ वन फोर्टी लीटर इसमें बेसिकली पल्प एंड ऑरेंजेस ग्रेप्स वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है काफी एग्जाम्स में पूछा गया है अ मिक्सर ऑफ वन फोर्टी लीटर कंटेन्स टेन परसेंट वाटर वन फोर्टी लीटर का एक मिक्सर है ठीक है इसमें टेन परसेंट जो है वो वाटर है तो मैं चलो इसको परसेंटेज में अगेन मैं इसको परसेंटेज कैलकुलेट कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाऊंगा दैट लीटर जो है है वो वाटर है, 140 -14 दूसरी चीज है ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा टेन परसेंट जो है वो वाटर है एंड नाइन्टी परसेंट जो है ठीक है वो कुछ और सबस्टांस है ठीक है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वॉटर थर्टी सेवन परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर अब सिंपल सी चीज है अगर मैं इसमें वाटर डाल रहा हूं तो मेरा जो इनिश आ, इनिशियल 140 लीटर का मिक्सचर है उसमें कुछ इंक्रीज होगा 140 प्लस एक्स कुछ इंक्रीज होगा एंड इस इंक्रीज्ड चीज में वाटर का जो परसेंटेज है वो चेंज होगा ठीक है मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 37% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर ठीक है तो वाटर जो है वो इंक्रीज हो करके 37% बन रहा है 37% बन रहा है वाटर ठीक है और आगे हम लोग देखें तो 37% अगर वाटर है तो दूसरा जो मेरा सब्सटेंस है वो कितना बनेगा 100 माइनस थर्टी सेवन सिक्सटी थ्री बनेगा करेक्ट बट मिक्सचर में आप ध्यान से देखो मैंने केवल और केवल पानी ऐड किया है ये जो दूसरा सब्सटेंस था ये तो मैंने ऐड नहीं किया ना मतलब पहले का 90% परसेंट एंड बाद का 63% ये दोनों जो है वो सेम रहना चाहिए करेक्ट तो यहां पर अब मुझे जरूरत पड़ेगी एक्जैक्टली exactly कि कितना पानी था उसमें टेन परसेंट था यानी फोर्टीन लीटर जो है वो वॉटर था एंड दूसरा सब्सटेंस कितना था भाई 126 लीटर था अब आगे जाकर के मैंने पानी ऐड किया है वाटर ऐड किया है तो वाटर जो है वो इंक्रीज हो गया है बट ये दूसरा सब्सटेंस तो सेम रहना चाहिए ना भाई 126 लीटर पहले था तो बाद में भी तो 126 ही रहना चाहिए तो मैं क्या ये नहीं कह सकता दैट 63 परसेंट जो है उसकी वैल्यू है 126 यानी सिक्स यानी कि 126 जो है वो 63 परसेंट की वैल्यू है हम लोगों को 100 परसेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 100 परसेंट इज नथिंग बट दिस वैल्यू ठीक है तो ये ये आपका बन जा रहा है है मतलब जो ना वो दो सौ मैंने लीटर जो है वो पानी ऐड किया है बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है बस आपको ये चीज समझनी है आपको जो चीज ऐड की जा रही है और जो चीज कॉन्स्टेंट है उसमें डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए जो चीज कॉन्स्टेंट है ना उसको आपको

एक पर्सन है फॉर एग्जाम्पल इनकम है उसकी हंड्रेड ठीक है एंड स्पेंड कर रहा है वो सिक्सटी परसेंट ठीक है तो एक्सपेंडिचर लिखो इसको एल सेविंग का एस और स्पेंड का एस जो है वो सेम हो जाएगा एक्सपेंडिचर है उसका सिक्सटी तो सेविंग्स कितनी हो गई भाई सेविंग्स हो गई सिंपल दैट अब मुझे बोला गया इनकम इंक्रीजेस बाय फिफ्टी परसेंट जो नया इनकम है ना वो हंड्रेड एंड फिफ्टीन हो गया है एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय फाइव परसेंट तो अब जो मेरा एक्सपेंडिचर है ना वो फाइव परसेंट इंक्रीज हो रहा है मतलब पहले मेरा एक्सपेंडिचर था अगर ये मेरे 100 की वैल्यू है तो फाइव परसेंट इंक्रीज होने के बाद एक्सपेंडीचर वन जीरो आई होप आपको ये वाला जो है वो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन से हम लोगों ने समझ लिया है तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो दूसरे ऑप्शन से भी जा सकते हो तो ये हो जाएगा आपका सिक्सटी थ्री तो एक्सपेंडिचर जो है अब आपका सिक्सटी थ्री हो रहा है ठीक है तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी भाई हंड्रेड एंड फिफ्टीन में से अगर आप सिक्सटी थ्री को सब्ट्रेक्ट करते हो तो सेविंग जो है वो

ये बहुत ही बेटर क्वेश्चन uh, है कंपेरेटिवली पिछला वाला साकेत स्पेंड्स फोर टाइम्स ऑफ वॉट ही सेव्स ठीक है इफ इज इनकम इंक्रीजेस बाय ट्वेंटीज बाय 30%, परसेंट फाइन द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स एकदम एक्सैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बस यहां पर जो है ना हम लोगों को ये बोल करके कंफ्यूज किया गया दैट साकेत जो है वो स्पेंड कर रहा है फोर टाइम्स ऑफ वट ही सेव्स जितना वो सेव करता है ना उसका फोर टाइम जो है वो स्पेंड करता है मतलब ये दैट इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ठीक है सेविंग फॉर एक्साम्पल अगर हंड्रेड है तो एक्सपेंडिचर इसकी जो है वो फोर हंड्रेड है एज सिंपल एज दैट एंड इनकम कितनी होगी भाई इनकम होगी आपकी सिक्स फाइव हंड्रेड तभी तो फाइव हंड्रेड में से फोर हंड्रेड को अगर वो स्पेंड करते एक्सपेंडिचर है तो हंड्रेड रुपीज उनकी सेविंग है अब इसके बाद ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन के जैसे है तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ दू आप इसको यूनिट्स में भी ले सकते हो मतलब फ्रैक्शन में भी ले सकते हो मैं इसको फाइव फोर एंड टेन भी ले सकता हूँ फाइव फोर एंड वन ठीक है इस तरीके से भी आपको ज्यादा इनफेक्ट इजी पड़ेगा बट अगेन सेंट इंक्रीज हो रहा है तो अब फाइव का जो है वो सिक्स हो जा रहा है ट्वेंटी परसेंट का क्या मतलब होता है ट्वेंटी परसेंट इज नय फाइव यानी फाइव का वन हो गया एक्सपेंडिचर इंक्रीजे बाय थर्टी परसेंट अब यहां पर आपको थर्टी परसेंट कैलकुलेट करने में दिक्कत आ सकती है इसलिए यहां पर आपको फ्रैक्शन मेथड जो है कैलकुलेशन बढ़ा देगा आप फाइव हंड्रेड लेके करोगे तो आपके लिए चीजें ज्यादा ईजी रहेंगी तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं आप कमेंट सेक्शन में इसका जो है वो आंसर टाइप कर देना बिकॉज ये सेम एक्टली पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है ओके okay, अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टाइप हो जाता है जहां पर आपको सेल्समैन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत है एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो इजिली आप इसको कर पाओगे क्या रहा है? रहा है 14 6 मतलब जो सेल्समैन है उसको दो पार्ट्स में कमीशन मिल रहा है पहला पार्ट तो ये है दैट आपको 14 परसेंट कमीशन मिल रहा है 25,000 के सेल पे के सेल टोटल ट्वेंटी परसेंट का जो है वो फायदा हो रहा है बट यहां पर केवल और केवल फोर्टीन परसेंट का ही उसको फायदा हो रहा है ठीक है अब आगे मुझे बोला गया है इफ द सेल्समैन डिपॉजिट्स रूपीज फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आफ्टर डिडक्टिंग मतलब सेल्समैन ने क्या किया है अकाउंट में डिपॉजिट कितना किया, किया है डिपॉजिट इसने किया इसको मैं फर्स्ट पार्ट नेम देता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में भी कहीं से तो मुझे सिक्स परसेंट और मिलने लगता अगर तो यहां पे भी ट्वेंटी परसेंट यहां पर मिलने लग जाता एंड ओवरऑल मुझे चीज मैं बोल सकता कि पूरे ओवरऑल सेल्स पे मुझे ट्वेंटी परसेंट ही कमीशन मिलने वाला है कोई आधा पूरा कुछ भी नहीं पूरे सेल पे मुझे ट्वेंटी परसेंट मिलने वाला है यह मैं कह सकता था तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यहां पर फोर्टी नहीं ट्वेंटी परसेंट का जो है मैं इसको कमीशन दे रहा हूं तो मान लिया मैंने कि इसको सिक्स और मिल गया एक्स्ट्रा मिल गया तो मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं कि सिक्स परसेंट ऑफ आपको जो है वो एक्स्ट्रा कमीशन जो है वो मिल रहा है तो सिक्स परसेंट ऑफ्टी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अगर मैं करूंगा

उस सेल्समैन ने किया है उसमें से 1500 और वो कमीशन ले रहा है तो अब जो मेरा न्यू अकाउंट डिपॉजिट होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 56000 ठीक है 56000 जो है वो मेरा अकाउंट डिपॉजिट हो जाएगा अब ये जो अकाउंट डिपॉजिट है बेसिकली आप देखो ना 100 अगर टोटल सेल्स जा रही है ट्वेंटी वो कमीशन ले रहा है एंड एटी ही तो डिपॉजिट करेगा बट मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड कर रहा है मतलब क्या मैं ये नहीं कह सकता दैट ये जो फिफ्टी है वो 80 परसेंट की वैल्यू है एंड टोटल सेल्स 100 है मैं ये कह सकता हूं बहुत इजीली तो मैं इसको सिंपली सेवेंटी थाउजेंड जब सोल्व कर लूंगा तो 70,000 मेरा आ जाएगा तो इस तरीके से आपको जैसे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में भी मैंने इसको इसी टाइप का एक तरीके से अप्रोच लिया था जहां पर अगर दो पार्ट में चीजें अलग अलग परसेंटेज दी हुई है ना तो आप उसको इक्वल रखोगे परसेंटेज को सो so देट हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए ओके तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो सेल्समैन वाला कॉन्सेप्ट है ये भी जो है वो समझ में आएगा तो चलो आज की वीडियो हम लोग इतने रखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड हम लोगों ने लगभग हर एक हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया सेल्समैन वाले हो गए प्राइस एक्सपेंडिचर वाले हो गए लेंथ इंक्रीज डिक्रीज वाले हो गए इलेक्शन टाइप वाले हो गए बहुत ही ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो अप्रोच कर लिए अब इसके बाद कोई आपको न्यू टाइप का क्वेश्चन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो एंड डिफिकल्टी लेवल जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाएगी आप इन्हीं सब अप्रोच को जो है वो यूज करके किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग